हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल एंड सेफ सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडेमिक डिसीज व्हाट इज इंडेमिक डिज़ और ये होता क्या है सो गाइस इस वीडियो में आज मैं आपको थोड़ा सिंपल और थोड़ा एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूँगी सो लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन सो द इंडेमिक डिज इज़ वन दैट इज कॉन्स्टेंटली और पर्मांटली प्रेजेंट इन अ ग्रुप और विद इन अ जोग्राफिक एरिया इज नोन एज इंडेमिक डिसीज़ मतलब कि एक पर्टिकुलर स्टेट और रीजन के अंदर डिसीज़ का होना उसे हम इंडेमिक डिसीज़ बोलेंगे ये कॉन्सटेंट होती है फॉर एग्जांपल मलेरिया और चिकन पॉक्स जैसी डिसीज को हम इंडेमिक डिज़ बोलेंगे ठीक है गाइज अगर मैं बात करूँ अफ्रीका की तो एवरी सिंगल ईयर देर इज़ अ फिक्स पर्सन डाइट ड्यू टू मलेरिया मतलब कि जो मलेरिया की डिसीज़ है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है बट अफ्रीका के कुछ ऐसे पार्ट्स स्टेट और रीज़न्स हैं जहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर है जैसे कि हर साल आ, सत्तर से अस्सी या उससे भी ज़्यादा केसेस आने की संभावना होती ही होती है तो इस कंडीशन को और इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे इंडेमिक डिसीज़ इसके कुछ टाइप्स भी हैं फर्स्ट इज़ होलो इंडेमिक विच अफेक्ट्स मोस्टली चिल्ड्रंस नॉट एडल्ट वन सेकेंड इज़ हाइपर एंडेमिक कॉन्सटेंटली प्रेजेंट एट अ हाई रेट मतलब कि जो कि पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सटेंट रहता है और ओल्ड एजिस ग्रुप पर इफ़ेक्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे हाइपर एंडेमिक डिज़ थर्ड इज़ हाइपो एंडेमिक हाइपो एंडेमिक इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एट अ लो इंसिडेंट एंड अफेक्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब कि ये बीमारी उनको फैलेगी जिनकी कोई भी इम्यूनिटी नहीं है सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू अपडेट्स फ्रॉम स्टडी फीवर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अगर गाइस आपको कुछ समझ ना आया हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना और इसके रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी डालूँगी ताकि आपको वो भी कुछ समझ आ सके सो थैंक यू